एवरी वन, सो वेलकम बैक। एंड इस राखी मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे के सीसी क्रीम का। आप चाहो तो बड़े आराम से पॉन्स का बेबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ जस्ट कि मुझे इसका वो लाइट फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट आता है यार सीसी क्रीम से कहीं ना कहीं। सो मैं जस्ट सिंपली डॉट्स में अप्लाई कर ले रही हूँ इसे मेरे पूरे फेस पे, एंड इसे ब्लेंड करूँगी मेरे फिंगर्स की हेल्प से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती हूँ, एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि उंगलियों के साथ जाए तो प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता। सो कवरेज शेयर है बट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगती है। एंड मैं यहाँ पे मैट लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ एज ब्लश, जो कि थोड़ी ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने बस ऊपर से थोड़ा सा और सीसी क्रीम लेके बस सारी चीज़ों को ना मैनेज किया, बैलेंस किया। सो उसके बाद जस्ट एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं मेरे पूरे फेस को सेट कर रही हूँ, एंड फिर मैं जा रही हूँ अपने आईब्रोज की तरफ। तो आईब्रोज फिल कर रही हूँ मैं हंसते हुए, आई डोंट नो व्हाई, तो आईब्रोज फिल कर रही हूँ मैं अमिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल से। बहुत ही ज़्यादा अच्छी आईब्रो पेंसिल है ये, लाइक एक बार खरीदो एंड बहुत ही लंबी जाती है, एंड फिनिशिंग तो कमाल की देती है। शेड आप बस ब्राउन पिक करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट देता है ये। सो आईब्रोज के बाद अब बारी आती है आई शेडो की, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक गोल्डन कलर। तो इस आई शेडो पैलेट से मैंने लिया सिंपली मेरे रिंग फिंगर से गोल्डन कलर, एंड मैं मेरे पूरे आईज पे जस्ट ये कलर अप्लाई करने वाली हूँ। एंड ये बेस्ट है डे टाइम के लिए। अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो कलर्स के साथ, तो जस्ट गोल्डन के साथ जाओ और सिल्वर के साथ कोई भी एक सिंगल सटल कलर लो एंड उसे अपने पूरे आईज पे अप्लाई कर लो एंड ब्लेंडिंग कर लो फिंगर की हेल्प से। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एंड बहुत ही ज़्यादा सेफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। एंड बात हुई एक्सपेरिमेंट की, तो मैं ज़रूर करने वाली हूँ यार, मेरा आई शेडो पैलेट वैसे ही पड़ा हुआ है एंड सारे कलर्स रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रूर क्रिएट करूँगी बहुत सारे कलरफुल आई मेकअप लुक, तो उसका बाद में देखेंगे। फिलहाल इसको देखे तो मैं अब लैशेज़ को कर्ल कर ली हूँ एक आई लैश कलर की हेल्प से, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे ज़रूर करिए। बहुत ही अच्छा सा चेंज देखने को मिलता है, स्पेशली अगर आपकी आंखें छोटी छोटी है, मेरी तरह तो ज़रूर ही कर लेना यार, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा आपको। एंड आई लैशेज़ को कर्ल करने के बाद जस्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, एंड ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कितनी लड़कियों का फेवरेट है ये एंड मेरा भी है। सो जस्ट मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मेरे दोनों अपर एंड लोअर आई लैशेज़ पे। बहुत ही टाइम लेके करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है एसेंस का आई शेडो पैलेट। लाइक सॉरी, पैलेट नहीं है ये, सिंगल कलर है, सिल्वर कलर है, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है एज अ हाइलाइटर। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एज अ हाइलाइटर, एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट। सो फेस हाईलाइट हो रहा है हमारा, देख सकते हो आप। एंड ये मेकअप ब्रश है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली मेकअप ब्रशेस ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली खरीद सकते हो इसे। और इस स्टेप के साथ 90% मेकअप हमारा कंप्लीट हुआ। अब बचे सिर्फ लिप्स, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का लिपस्टिक, एंड ये 18 का है, बहुत ही बजट में है। एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आप चाहो तो आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड मेकअप लुक हमारा कंप्लीट है, जस्ट हेयर एंड ज्वेलरी बची है, तो बालों को मैं सिंपली ऐसे ओपन करके हूँ। एंड इयररिंग्स डाले मैंने छोटे छोटे से झुमके, यार झुमके मुझे बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है, आपको कैसे लग रही है ये वाले आप ज़रूर बताइएगा। ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे मरून कलर के, ये इस कुर्ती के साथ बहुत अच्छे से जा रहे थे। तो हमारा मेकअप लुक है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, बट बिंदी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो कुर्ती के साथ मेरा बिंदी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो आप ऐसे भी चाहो तो रहने दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेकअप लुक कंप्लीट हुआ, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।